सो ऑल राइट गाइस, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। होप सो एकदम अच्छा सा और बढ़िया होगा। दोस्तों यहाँ पर रियलमी सी थ्री डिवाइस को बहुत ही जल्द एक स्टेबल अपडेट आने वाला है, जिसमें जो बग्स थे उनको फिक्स किया होगा। सिर्फ बीटा यूजर के लिए अपडेट आने वाला है बहुत ही जल्द। उसी तरीके से नार्ज़ो 10 डिवाइस को भी आ जाएगा, मगर फिर भी अगर आप आपके डिवाइस को डाउनग्रेड करना चाहते हो, डाउनग्रेड यानी कि अगर आपका इस टाइम बीटा यूजर आप यूज़ कर बीटा अपडेट अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आपके डिवाइस इस टाइम है रियलमी वाई 2.0 पर। एंड अगर आप बग्स से परेशान हो चुके हो तो आप उसको फिर से डाउनग्रेड कर सकते हो रियलमी यू आई 1.0 पर, जो आपका प्रीवियस वाला वर्जन था उस पर आप डाउनग्रेड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके सभी बग्स वगैरह चले जाएंगे। एंड आप उसके बाद में एक इंतज़ार कर सकते हो एक प्रॉपर स्टेबल अपडेट रोल आउट होने का। सो किस तरीके से करना ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। सो अगर आप इस चैनल पर हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर रियलमी नार्जो 10 है जो डिवाइस है, उस डिवाइस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई किस तरीके उसको डाउनग्रेड करना है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो है रियलमी C3 डिवाइस के लिए, उस डिवाइस को हम किस तरीके से डाउनग्रेड कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर सबसे पहले स्टेप ये है डाउनग्रेड करने की, तो आपको यहाँ पर एक अपडेट का पैकेज जो होता है उसको डाउनलोड करना है। जो आपका पैकेज होता है उसको आपको डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आपको पैकेज को डाउनलोड कर लेना है। उसको आपको आपके इस स्टोरेज में कहाँ पे भी आप पुट कर सकते हो, लोकेशन बस आपको लोकेशन कहाँ पे पुट किया है उसको रिमेंबर करके रखना है। उसके बाद में आपको सिंपली आपके डिवाइस को पावर ऑफ करना है। पावर ऑफ करने के बाद आपको वॉल्यूम डाउन बटन एंड जो आपका पावर बटन है उसको प्रेस करना है। उसके बाद में आपकी डिवाइस चली जाएगी रिकवरी मोड में। जैसे रिकवरी मोड में जाती है वहाँ पर आपको ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाएंगे, लैंग्वेज सिलेक्शन वगैरह, सिंपली आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इंस्टॉल पैकेज फ्रॉम द स्टोरेज वाला। जैसे आप उस ऑप्शन पर टैप करते हो वहाँ पर आपको पैटर्न वगैरह पूछेगा, आपके डिवाइस का जो भी पैटर्न है सिक्योरिटी पैटर्न वहाँ पर आपको एंटर करना है। एंड उसके बाद में आपके सामने आपके डिवाइस का स्टोरेज ओपन हो जाएगा। सो जहाँ पर आपने आपका जो पैकेज प्लेस किया है वहाँ पर जाकर आपको पैकेज को सिलेक्ट करना है आपके रियलमी C3 डिवाइस के लिए। जैसे आप सिलेक्ट करते हो आपको वहाँ पर इंस्टॉलेशन का यानी कि आपके अपग्रेड का वगैरह ऑप्शन आ जाएगा, उस ऑप्शन पर आपको टैप करना है। एंड जैसे आप टैप करते हो थोड़े टाइम में आपके डिवाइस जो है डिग्रेड हो जाएंगे यानी कि डाउनग्रेड हो जाएगी रियलमी यू 1.0 पर। सो यही है स्टेप, काफ़ी सिंपल से स्टेप जो है आपको यहाँ पर फॉलो करने है। रिकवरी मोड में जाना है, सिंपली पैकेज सेलेक्ट करना है और उसको फ्लैश करना है या फिर इंस्टॉल करना है, ये स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि थोड़ी बहुत बैटरी आपके डिवाइस में काफ़ी अच्छी खासी हो, 50% मोर देन 50% हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। एंड जब आपका डिवाइस यहाँ पर फ्लैश हो रहा है या फिर इंस्टॉल हो रहा है आपके डिवाइस में OS आपका, उस टाइम आपको आपके डिवाइस को पावर ऑफ नहीं करना या फिर रिबूट वगैरह करना नहीं, ये चीज़ याद रखनी है आपको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा एंड बाय बाय।